Mose Chhal Kiye Jaaye. यार मुझे सेट पे जाना पड़ेगा अब. एक प्रॉब्लम हो गई है. अरे बैठना यार, इतने सालों बाद तो हम लोग बैठ के कोई मैच देख रहे हैं. और वैसे भी इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है तेरा, इतने सारे लोग काम करते तेरे, कोई भी संभाल लेगा यार, तुझे क्यों जाना है? अरे यार ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, यू नो सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ. चल सी यू. ओए वीरे, मेरा नाम भी गोल्डी LLB है, जिससे कोई भी झूठ छुपता नहीं है जी. तेरे चेहरे की शरारत बता रही है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल है. कोई नहीं, एंजॉय. बच गया. अरमान, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो काफी लोनली सी जगह लग रही है. मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए किसी और की क्या जरूरत है? मैं सब समझती हूँ अरमान, तुम क्या चाहते हो, पर इतनी जल्दी नहीं. ऑफ कोर्स. ओए देख देख, वो अरमान ओबेरॉय है ना. हाय यार. और वो भी मिस सम हॉटी के साथ. चल चल पिक क्लिक कर. कम. आई एम सो सॉरी. Sorry. You're fine. Social media पर post करूंगी, viral हो जाएगा. Arman with mysterious girl. उनको कॉल करके बता देती हूँ कि मेरे लिए विटामिन्स और टॉनिक लेकर आए. The number you have called is currently not reachable. अरे शर्मान का फोन नॉट रीचेबल. सौम्या कैसी है आईज? अब बेटर? काफी बेटर है. अच्छा सुनिए ना, आपके पास वो गोल्डी जी का नंबर है क्या? गो हाँ हाँ है ना. वो अरमान का फोन नॉट रीचेबल है तो सोचा उन्हें कॉल कर दूं. इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए ये है कि वो रेस्ट करे, घर पे रिलैक्स करे. सौम्या के दिमाग में अगर एक बार शक घुस जाए तो शी कीप्स डिगिंग. गॉड नोस क्यों गई है वो बाहर. मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? नो प्रिशा, मैं कॉफी बनाने के लिए रखा है क्या? अगर मुझे कॉफी चाहिए होगी तो मैं सर्वेंट से कह दूंगा. मॉम मेरी PR के साथ फिर से मीटिंग है ऑनलाइन, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे प्लीज. तुम्हें कुछ पता है इस सब के बारे में? नहीं आंटी जी, मुझे कैसे पता होगा. तारा तुम्हें क्या लगता है, ये सब ट्रू है? मामी जी सौम्या गई है सच पता करने के लिए, और मुझे ना यकीन है कि वो सच पता करके ही आएगी. आप टेंशन मत लीजिए. आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा मुझसे कि अरमान नीचे समोसे लेने गए थे?
शाही जी आपने प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे आज के बाद झूठ मत बोलिएगा। मैं मानती हूँ कि अरमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एज अ हस्बैंड व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। उन्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हर क्या आपने एज अ फ्रेंड अपना फर्ज निभाया? शाही जी आप मेरी पोजीशन भी तो समझो ना। मतलब एक तरफ सच है और एक तरफ मेरा दोस्त। ये बात सच है कि वो यहाँ मैच देखने आया था मगर 10-15 मिनट में ही यहाँ से चला गया था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो परजाई जी बाय गॉड मैं उसे कहीं जाने नहीं देता। पकड़ के रखता उसे मैं। समझ आ गया था कि अरमान ने मुझसे झूठ कहा था पर मैं बस आपसे रिकन्फर्म करने आई थी और आपने मुझे यकीन दिला दिया कि मैंने सही समझा था। I'm sorry, परजाई जी। Simeon, listen to me carefully, okay? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सारा मीडिया चाहिए, सारा मतलब everybody. और कॉन्फ्रेंस शुरू होने के पहले उन सबको सारे गुडीज फ्रीबीज मिल जाने चाहिए। You get that? Yeah. गुड न्यूज है। मेरी पीआर टीम ने बोला है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर तुम मेरे साथ में रहोगी और अगर तुम ये कहोगी कि 100% ट्रस्ट है तुम्हें मुझ पर, ये जो कुछ भी हुआ है वो सोशल मीडिया का एक ईविल है, तो डैमेज थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। वरना मेरा काम, मेरे शोज, मेरी रेपुटेशन सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यू आर राइट अरमान, ये जो मीडिया कवरेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी जो भी मतलब आपका आइडिया है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि अगर वाइफ ही कह देगी कि हस्बैंड बेकसूर है तो लोग तो मान ही जाएंगे। कोई भी वाइफ के इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं करेगा। एग्जैक्टली राइट। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगी। मैं मीडिया के सामने आपके साथ नहीं आऊंगी। आपका साथ नहीं दूंगी मैं आपके झूठ में, आपके छल में जो आपने मेरे साथ किया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।